नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल बागड़ी फ्रॉम अचरोल। इंग्लिश एजुकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो पिछली क्लासेस में हमने नोटिस एक दो एग्जांपल कर लिए थे, तो आज पढ़ रहे हैं दूसरा एग्जांपल, यानी ब्लड डोनेशन कैंप जो किसी संस्था के द्वारा लगाया गया है उसको लेकर हम एक नोटिस जारी करेंगे, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो देखो, संस्था का नाम देख लो, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर, यानी कोई जयपुर की कोई संस्था है या कोई स्कूल है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तो वो एक नोटिस जारी कर रही है, रिलीज कर रही है नोटिस को, सूचना दे रही है कि ब्लड डोनेशन कैंप लगाएंगे हम हमारी स्कूल में, उसके बारे में बच्चों को बता रही है जो उसमें सेवा कर सके। तो डेट देखो, रिलीज होने की 10 दिसंबर 2020 इस डेट को ये रिलीज हुआ है ब्लड डोनेशन कैंप के लिए। तो मैंने जो फॉर्मेट बनाया था उसमें शुरुआत के अंदर सबसे पहले नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिस संस्था ने ये नोटिस रिलीज किया है उसके बारे में, फिर वो नोटिस लिखना है बिल्कुल कैपिटल लेटर में, इसको अंडरलाइन भी कर सकते हो आप, ठीक है। और इसका जो हेडलाइन होती है नोटिस की, वो यहाँ पे लिखना है बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए ये, कि ब्लड डोनेशन कैंप, और इधर डेट होनी चाहिए लेफ्ट या राइट साइड में कोई एक तरफ, ठीक है। इसका जो मेन कंटेंट ऑफ नोटिस है, मेन पार्ट होता है, वो देखो कि ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th, ध्यान देना क्लास को अंत तक देखिएगा, जिससे बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि इजी वे लैंग्वेज में लिखा गया है बिल्कुल आसान तरीके से। तो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th आर इन्फॉर्म, कि कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि दैट आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए ब्लड डोनेशन कैंप इन आवर स्कूल बिटवीन 10 a.m. एंड 5 p.m. ऑन 20 दिसंबर 2020। तो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th, की कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों को आर इन्फॉर्म सूचित किया जाता है क्या दैट आवर स्कूल, कि हमारी स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोग्राम का, एक फंक्शन का, एक प्रोग्राम का क्या कर रही है, ऑर्गेनाइज कर रही है, वो ऑर्गेनाइज यानी प्रसारित करवा रही है एक ब्लड डोनेशन कैंप, उसका क्या नाम है, एक ब्लड डोनेशन कैंप लगा रही है, कहाँ पे, इन आवर स्कूल, हमारी स्कूल के अंदर, बिटवीन कब, कि 10 बजे से लेके, सुबह के 10 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक वो उसका आयोजन करवा रही है, ऑर्गेनाइजिंग का अर्थ था आयोजन करवाना, उसका आयोजन करवा रही है, कब, ऑन 20 दिसंबर 2020 को, यानी 20 दिसंबर 2020 को सुबह 10 बजे से लेके 5 बजे के बीच के अंदर एक ब्लड डोनेशन कैंप का क्या करवा रही है, वो आयोजन करवा रही है। तो उसमें क्या करना है आपको, इट इज आल्सो ए सर्विस टू नेशन, इट इज आल्सो ये आपका सर्विस टू नेशन, जो सहायता करनी है आपको, सर्विस करनी है, काम करना है नेशन एंड ह्यूमैनिटी, आपकी राष्ट्रीयता के लिए या ह्यूमैनिटी मानवता के लिए आपको इसमें क्या करनी है, सर्विस करनी है, आपको काम करना है, ये उन 12th के बच्चों को बताया जा रहा है, ठीक है। तो विलिंग स्टूडेंट्स कैन गिव देयर नेम्स, विलिंग स्टूडेंट्स यानी इच्छा, जिस छात्र की इच्छा है कि मैं इस कैंप में काम करूं, उन बच्चों से वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि विलिंग स्टूडेंट्स कैन गिव देयर नेम्स, कि इच्छुक विद्यार्थी अपना नाम दे सकते हैं, टू द अंडर साइन जो पदाधिकारी नीचे दिया गया है उसको अपना नाम दे सकते हैं बिफोर 15 दिसंबर 2020, यानी 15 दिसंबर 2020 तक जो नीचे पदाधिकारी दिया गया है, जो व्यक्ति दिया गया है, नाम दिया गया है, उसको अपना नाम लिखवा सकते हैं, जो भी स्टूडेंट इच्छुक हो, जिसको इस कैंप में काम करना हो, क्योंकि ये सबकी संस्था है, सार्वजनिक संस्था, सार्वजनिक स्कूल है, सरकारी स्कूल है, इसमें जो भी 12th के बच्चे हो वो इसमें काम करना चाहते हो, किसी को, अब देखो कैंप में बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए, इधर उधर करना, किसी सामान को रखना वगैरह, जो भी सहायता होती है वो आप कर सकते हो, जो भी बच्चे स्टूडेंट नाम लिखवाना चाहते हो वो लिखवा सकते हो। और उसका नाम है रमेश, क्या नाम है, रमेश, वो क्या है, सेक्रेटरी है, उसका डेजिग्नेशन है सेक्रेटरी का, और क्या है वो, स्टूडेंट यूनियन का क्या है, सेक्रेटरी है रमेश, उसको अपना नाम लिखवा सकते हो, कब तक, 15 दिसंबर को, क्योंकि 20 दिसंबर को तो क्या इसका आयोजन है, ऑर्गेनाइज है इसका ब्लड डोनेशन कैंप का, तो आप 5 दिन पहले ही 15 दिसंबर तक आप अपना नाम लिखवा सकते हो। तो ये था ब्लड डोनेशन कैंप पर नोटिस, इसको देखिएगा, समझिएगा, बिल्कुल इजी भी लैंग्वेज में लिखा गया है जो आसानी से आपको समझ में आने वाला है। तो ये था नोटिस। तो
एक बार देख लीजिएगा इसको, एक या दो बार देखिएगा क्लास को, जो आसानी से बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इंग्लिश एजुकेशन में आज की क्लास में बस इतना ही, और आने वाली जो फ्यूचर में जो क्लास होने वाली है, नेक्स्ट क्लास में हम और एग्जांपल्स के साथ आएंगे। तो जिन जिन को भी क्लास पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें, जिससे और लोगों को भी, और शेयर भी कर दे ताकि और लोगों के पास भी पहुंच जाए। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।